संभल के बहजोई में एसडी रिसोर्ट चंदोसी रोड बहजोई में जिलाधिकारी संजीव रंजन अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल के द्वारा यातायात जागरूक सड़क सुरक्षा सप्ताह माह नवंबर एवं जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर यातायात माह नवंबर 2021 का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी महोदय संजीव रंजन ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन आप लोग ना करें, उनका पालन करें, क्योंकि वाहन चलाते समय सड़कों पर काफ़ी दुर्घटनाएँ होती हैं, आप लोगों की जान भी जाती है। वाहन चलाते समय हेलमेट सीट बेल्ट पहनकर चलें और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यातायात सुरक्षा सप्ताह का विभिन्न विद्यालयों के बच्चों के माध्यम से जागरूकता रैली का शुभारंभ किया गया है। कहा कि आए दिन सड़कों पर बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, आप लोगों को विदित है कि ज़्यादातर दोपहिया वाहनों से होती हैं, हेलमेट न लगाने के कारण बड़े वाहनों से भी दुर्घटनाएं होती हैं। इनकी रोकथाम के लिए आज यह जागरूकता कार्यक्रम एवं रैली निकाली गई है। इस रैली के माध्यम से वाहन चलाते समय क्या कानून है इसका पालन करना चाहिए, सरकार भी यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ट्रैफिक कानूनों का पालन करा रही है। आप लोग वाहन चलाते समय सावधानियां बरतें तथा ट्रैफिक के नियम कानून का पालन करें। जागरूकता रैली एसडी रिसोर्ट चंदोसी रोड बहजोई से प्रारंभ होकर डीएम ऑफिस इस्लाम नगर चौराहा बहजोई से निकलकर पुलिस लाइन मंडी में पहुंची। सर, यातायात माह नवंबर में जो कार्यक्रम बहजोई में क्या कहेंगे? यातायात माह नवंबर में हम लोग 1 नवंबर को आज हम लोग मना रहे हैं, इसकी शुभारंभ कर रहे हैं। और इस अवसर पे सबसे पहले तो हम लोग जन जागरूकता के लिए एक बड़ी सी सभा की, जिसमें तमाम जो स्कूली बच्चे थे, एनसीसी के कैडेट्स थे, स्काउट एंड गाइड्स के लोग थे, जो कि समाज में एक मैसेज लेकर जाएंगे कि सड़क पर जो है सुरक्षित चले और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। साथ में एक रैली भी निकाली जा रही है, इस रैली में बच्चे घूमेंगे और ये पूरे समाज को जागरूक करेंगे।